नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है और कई दिनों से चल रहा चुनावी प्रचार कल पूरी तरह से थम जाएगा और उसके बाद प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। वहीं वोटिंग के दौरान अब केवल वोटिंग के समय में दो दिनों का समय ही बचा हुआ है और एक तरफ बीजेपी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी सक्रिय नजर आ रही है। परिणाम ये है कि आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। वहीं गोरुंडा में अनाज मंडी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया और साथ ही इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और वहीं जेजेपी और इनेलो भी पूरे दमखम के साथ जीत का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा में लोकसभा चुनाव का मुकाबला बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच है या फिर क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो असरदार साबित हो सकती है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है और कई दिनों से चल रहा चुनाव प्रचार कल पूरी तरह से थम जाएगा और उसके बाद प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। वहीं वोटिंग होने में अब केवल दो दिनों का समय बचा है और एक तरफ बीजेपी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी सक्रिय रूप से नजर आ रही है। परिणाम यह है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं इसी दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। वहीं घरुंडा में अनाज मंडी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और साथ ही जेजेपी और इनेलो की अगर बात की जाए तो पूरे दमखम के साथ जीत की हुंकार ये पार्टियां भर रही हैं और ऐसे में सिर्फ एक ही सवाल जो है वो जहन में आता है कि क्या हरियाणा में लोकसभा चुनाव का सीधा मुकाबला बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच है या फिर जो क्षेत्रीय पार्टी है वो भी असरदार साबित हो सकती है या नहीं। वहीं इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जेजेपी प्रवक्ता रिंपल सोही जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और इनेलो प्रवक्ता अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो है वो मैं बीजेपी प्रवक्ता रोहिला जी से लेना चाहूंगी। रोहिला जी, भारतीय जनता पार्टी का आकलन क्या कहता है कि आपका सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन से है या फिर जो दो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपनी किस्मत आजमा रही हैं, उनका कितना रोल है? सभी को मेरा राम राम, प्रवक्ताओं को भी मेरे राम राम। भारतीय जनता पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है और जिसके साथ जनता होती है उसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता कोई भी। एक बात, दूसरी बात, हर चुनाव है, लोकतंत्र है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मुकाबला है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से है, ठीक है ना? तो लेकिन कहीं ना कहीं ये मुकाबले में कहीं नहीं है, बल्कि अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। रही क्षेत्रीय दलों की बात, तो क्षेत्रीय दलों का तो आपने असर देख लिया। 20-22 साल से तो इनेलो सत्ता से बाहर है। 20-22 साल में तो स्थिति बदल जाती है। अपना हरियाणा में हरियाणा में बोलते हैं जी। तो इनेलो का 1.5% का वोट बैंक बचा हुआ है। हाँ, जो ये 10 विधायक लेके आए थे जसपा वाले, तो इनके विधायक इधर उधर हो चुके हैं सारे, तो ये भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, राजबीर रोहिला जी बने रहिए हमारे साथ।
हमारे साथ अन्य प्रवक्ता भी लगातार बने हुए हैं। सीधा रुख कर लेती हूँ जेजेपी का, जहां से रिंपल सोही जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिंपल सोही जी, बीजेपी से अलग हो गए, लेकिन क्या बीजेपी और आपका विजन भी अलग है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, जो इन्होंने कहा है कि झूठ की लड़ाई है, मेरा ये मानना है कि इसके लिए ज्यादा जरूरी ये है समझना कि इलेक्शन है किस चीज का। जो इलेक्शन है ये जनता के उम्मीदवार चुनने का है, जनता की रिप्रेजेंटेटिव चुनने का है। जनता के रिप्रेजेंटेटिव चुनकर उनको पार्लियामेंट में भेजना है, सरकार बनना दूसरी बात है। मेरा ये कहना है, मैं सिर्फ इनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ऑपोजिशन में बैठकर भी हम इनसे, इनके जो इन्होंने हमें एमपी यहाँ पे दिए, उनसे ज्यादा अच्छा काम हमने करके दिखाया है। अगर आप याद करें, दुष्यंत जी अपनी सारी संसद निधि का उपयोग करने वाले, मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ कह लो लोकसभा टर्म्स में से इकलौते हिसार के एमपी होंगे। आप खुद देखिए कि इनके, इन्होंने जो हमें एमपी दिया पिछले 2019 में, जो इन्होंने हमें एमपी दिया हिसार से, उन्होंने अपनी संसद निधि तक का उपयोग नहीं किया। जो उससे पहले थे, दुष्यंत जी से पहले भी जो थे, उन्होंने भी अपनी संसद निधि का उपयोग नहीं किया। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जरूरी ये होता है कि जनता का रिप्रेजेंटेशन किया जाए, संसद में बैठा जाए, वहां पहुंचा जाए, सवाल पूछे जाएं, प्राइवेट मेंबर बिल्स लाए जाएं, ये ज्यादा जरूरी है। इसके बजाय कि अब ये देखिए, बाकी सारी जो बातें हैं ये बाद की होती हैं, और एक बार जब सरकार गठित हो जाती है उसके बाद ये मैटर नहीं करता है। उसके बाद जो मैटर करता है वो ये है कि आपका संसद, आपका सांसद आपके लिए संसद में सवाल उठा रहा है या नहीं, ये ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी संसद निधि का उपयोग कर रहा है कि नहीं, आपके लिए सवाल पूछ रहा है, आपके लिए, आपके क्षेत्र के काम करवाने के लिए उत्सुक है या नहीं। तो ये इस टाइम पे ऐसा कुछ भी कह देना कि जी हमारा इनसे कॉम्पिटिशन है और इनसे कॉम्पिटिशन नहीं है, कौन वजूद की लड़ाई लड़ रहा है कौन नहीं, याद दिलाना चाहती हूँ कि आज से 10 से 15 साल पहले तक बीजेपी भी वजूद का ही वजूद की लड़ाई लड़ रही थी। तो हो सकता है आज से 10 साल बाद हम इनको सरकार बना के दिखा दें, या शायद उससे पहले भी दिखा दें। ये इस टाइम पे कह देना बहुत ही मैं कहती हूँ प्राइड या ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो की बात है। ठीक है सोही जी, लौटूंगे वापस चर्चा में, बने रहिए, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला, तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। लगातार हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, और कल 23 मई की शाम तक चुनावी प्रचार जो है वो थम जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी। वहीं इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी इनेलो का, लगातार हमारे साथ अमन दीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसरी जी, क्या लगता है कि आपकी पार्टी बीजेपी के विजयी रथ को रोकने में कितनी तैयार है? केसरी जी, दीदी सोनिया जी, आपने लगातार देखा पिछले लगातार 4.5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का, जजपा का ठगबंधन की सरकार थी,
उसके खिलाफ अगर सड़क से लेकर के विधानसभा तक अगर किसी ने उस आवाज उठाने का काम किया तो वो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। जनता खासकर से कमीरा वर्ग, किसान, गरीब, दुकानदार, छोटा व्यापारी और हर वो शोषित वर्ग इस बात को बखूबी समझता है जी। कि किसने उनकी हक की आवाज को उठाया, कौन उनकी आवाज बनकर के इन जो सरकार है, जो तानाशाही सरकार थी, उसके खिलाफ बोला है। तो जनता ने भी मूड बना लिया है कि उसके कि उनके किए हुए कामों का, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के संघर्ष का, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता का जो संघर्ष था, उसको जनता आज वोट रूपी इनाम देने इंडियन नेशनल लोकदल को जा रही है फिर से। और कांग्रेस इस संघर्ष के अंदर जो जनता की आवाज उठानी थी, खासकर से कमेरे वर्ग की आवाज उठानी थी, हर मोर्चे पर विफल हुई। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, वो आपने देखा होगा कि पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाते हुए देखे गए अलग अलग तरीके से। और जब अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है जो हरियाणा के अंदर, उसके अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी का जो रुख होना चाहिए था, जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हुआ, जिस प्रकार से उम्मीदवारों का चयन हुआ और जिस प्रकार से आपस में ही इनका जो जूतों पे जार चल रहा है, जो जुतियों में दाल बंट रही है, जनता उस सभी चीजों को देखते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल, एनसीपी गठबंधन और साथ में आरजेपी और पांच और पार्टियों का जो गठबंधन है, जो हमेशा से लोगों के बीच में रहने वाले दल है, लोगों की आवाज बुलंद करने वाले दल है, और खासकर से जो हरियाणा के हितों के साथ कुठारघात हो रहा था, जो राष्ट्रीय पार्टियां हरियाणा के हितों को हमेशा से अनदेखी करती थी, आज जनता उनको सबक सिखाने जा रही है और इंडियन नेशनल लोकदल को ही जिता करके भेजेगी। ठीक है, केसरी जी बने रहिए हमारे साथ लगातार। कांग्रेस प्रवक्ता हांडा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। हांडा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, कल प्रचार थम जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के दिग्गजों ने आने में देरी तो नहीं कर दी? सोनिया जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता बहन को नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमन। मेरे घर तक जो मेरी तक में आ जाते हैं, मेरे घर तक जो मेरी तक में आ जाते हैं, चंद कीड़े मेरी निस्वास में आ जाते हैं, चंद कीड़े मेरी निस्वास में आ जाते हैं, इन दहाड़ों में कोई दम नहीं, डर मत जाना, भेड़िए शेर की पोशाक में भी आ जाते हैं। घोड़ों को मिल नहीं रही घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। ऐसा है, हमने कोई आने में देर नहीं की है, इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, अभी खड़गे जी होकर गए, राहुल जी भी आ जाए, बल्कि राहुल जी तो आसनसोला में भी थे, उसमें संविधान सम्मान सम्मेलन उनके लिए स्पेशली आयोजित किया गया था और लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे उनको सुनने के लिए। जम्मू कश्मीर तक से लोग आए हुए थे, हरियाणा के भी अलग से, पंजाब के भी अलग प्रांतों से, और सब बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोग थे जो वहां पर बैठे हुए थे, उनको सुनने के लिए ही आए थे। ठीक है, हमारे जैसा कि आपने सवाल किया, प्रचार में देरी नहीं, हमारा प्रचार सबसे पहले स्टार्ट हो गया था, ढाई साल से हमारा प्रचार चल रहा है। इनके प्रवक्ता रोहिल्ला जी तो खुद ही मानते हैं कि जब से ये चुनाव डिक्लेयर हुआ तब से हमारा प्रचार चल रहा है। अब मैं एक बात बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, जो मेरे को अभी अभी खबर मैंने अभी देखी मैंने और सुनी मैंने, कि भाजपा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। जो ये बेईमानी कर रहे हैं, चार से पार का नारा तो मैंने कहा था ना, चर्चा में है नहीं, तो चर्चा में ये है कि दो से भी पार नहीं होगा। इन्होंने गुजरात में भी 2022 में 16 लाख वोट एक घंटे के अंदर डलवाए थे, ये आप चेक कर लीजिएगा जो मैं आंकड़ा आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, अभी भी क्या हो रहा है, हर फेज के चुनाव आयोग भी इनके, क्या बोलूं मैं, मुझे शब्द कहने में भी शर्म आती है, मोदी जी के चरण चुम्बक और उनके सामने नतमस्तक और दंडवत है, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट फेयर एंड फ्री इलेक्शन, वो नहीं हो रहे हैं। कितनी शिकायत उनके पास जाते, पत्र भी लिखे जाते हैं उनको, बट वो कभी जवाब नहीं देते हैं, जो उनके मेन है राजीव कुमार। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि हर, आप देखिए हर फेज के बाद, ये भाजपा के प्रवक्ता भी ध्यान से सुन लें, हर फेज के बाद कहीं पर 5% बढ़ा के दिखाया जा रहा है, कहीं पर 1.5%, कहीं पर 8%, कहीं पर 10% भी बढ़ा के दिखाया जा रहा है। यानी कि टोटल जो घपलेबाजी हो चुकी है वो 1,07,00,000 वोटों की कम भाजपा कर चुकी है।
अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, उसके लिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो भी पोलिंग एजेंट होते हैं इनको एक 17C का फॉर्म मिलता है, ठीक है, जिसमें ये नोट करते हैं कि कितने वोट पड़े, कितने प्रतिशत पड़े और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स भी, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड भी उसमें आता है, जो कि ये नहीं दे रहे हैं। और वो देता है इलेक्शन, जो पोलिंग एजेंट होता है वो इलेक्शन कमिश्नर को देता है जिसको वो अपनी वेबसाइट पर डालता है, लेकिन ये 11 दिन के बाद जो है आंकड़ा बढ़ाकर बता रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बेईमानी हो रही है। ठीक है, ये पेरेंट, ठीक है, हांडा जी इसी पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ लगातार रोहिला जी बने हुए। रोहिला जी, आपने सुना कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है और साथ ही घपलेबाजी का भी आरोप लगाया गया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहेंगे? इनके साथ नहीं है इसलिए ये अपनी ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी बातें, बयानबाजियां करते हैं। अभी तो 4 के बाद ये ईवीएम का भी रोना रोएंगे, एक बात। दूसरी बात, मैं कमल अनाज जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, हमारी सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस की है। 11 बाद आपने दिए आंकड़े भी नहीं दिए, अंदाजी चुप हो जाइए, ठीक है। हांडा जी आपको समय दिया जाएगा, हांडा जी आपको समय दिया जाएगा, अभी बीजेपी प्रवक्ता की बात पूरी होने दीजिए। मैं तो प्रॉब्लम तो भेजूंगा, लेकिन ये पूरी कांग्रेस की प्रॉब्लम है कि कभी ये जो संवैधानिक संस्था में बार बार सवाल उठाते हैं, ये लोग बार बार सवाल उठाते हैं, इनके सारे दरवाजे खुले हुए हैं। बूथ एजेंट होता है जो अंदर बैठता है, जो वो लिख के लाता है, वो वोटिंग लिख के लाता है, भाई मेरे फलाने बूथ में इतनी पोलिंग हुई है, और वो घर रखता है। आप अपने एजेंटों से मिलान करो, आपको अगर इतना ही डाउट है या फिर आपके एजेंट ही डमी है, फिर ठीक है ना रोहिला जी, ठीक है रोहिला जी, लौटेंगे आपके पास, रोहिला जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक के बाद तुरंत फौरन लौटते हैं, और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चाचा नौकरी लग गई है, दो कड़क चाय बना मोदी दो। जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं, और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है, बढ़ते हैं चर्चा में आगे। अभी तक लगातार सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और सभी पार्टियों का चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है, और ऐसे में 23 मई की शाम तक ही प्रचार थम जाएगा और उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। वहीं इसी पर चर्चा में जुड़ने के लिए लगातार हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। रुक करना चाहूंगी हांडा जी का। हांडा जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, INLD के प्रवक्ता को भी आपने सुना, उन्होंने भी तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, कहा कि कांग्रेस हर मोर्चे पर झूठ बोल रही है और साथ ही उम्मीदवारों के चयन में भी घपलेबाजी हुई है और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना, इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया हांडा जी? मैं बता देती हूँ, इनालो के प्रवक्ता का पहले जवाब दे देती हूँ मैं। ये 36 बिरादरी सब हम ही लाए थे हरियाणा में, ये नहीं लाए थे, पहले तो ये बात बता दूं मैं। दूसरी बात ये, पहले एक छोटा सा जवाब रोहिला जी को, 24 मई को इसी बात को लेकर जो प्रतिशत 10 दिन बाद 11% बढ़ाकर बताया जा रहा है, 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उन्होंने कहा हमें रात को भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, लेकिन आप हमें बताइए कि चुनाव आयोग क्यों नहीं काम कर रहा, ये आप नोट कर लीजिए, 24 मई को सुनवाई भी है। सुनिए, अब मैं जवाब दे दूँ इनेलो के प्रवक्ता का, अब आप चुप रहिए, इनेलो के प्रवक्ता का बता दूँ, ये तो पैसे परिवार में इनके फूट है, 10 साल इनके सुप्रीमो वहाँ पर रहकर आए हैं, हम झूठ के बोलेंगे? पहले इनको ये प्रॉब्लम थी, इनके पास चेहरे नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ ये भी इनको भी कुछ ना कुछ घुमाना होता है, क्योंकि सबसे स्ट्रांग ओपोनेंट है ही कांग्रेस पार्टी, सबसे स्ट्रांग ओपोनेंट चाहे वो भाजपा के लिए चाहे इनेलो के लिए है, आप है ही स्ट्रांग ओपोनेंट, क्योंकि कटाक्ष या वार उसी पर किया जाता है जिसके ऊपर लगता है कि इसको हमको इससे खतरा है,
तो आपको भी कांग्रेस से खतरा, इनेलो के प्रवक्ता को भी मैं बता दूं मैं। और दूसरी बात, झूठ बोलते हैं आप लोग, हमारी झूठ बोलने की आदत नहीं, कमल हंडा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई बात मैंने महीना पहले भी कही है, मैं उसको कभी नहीं मुकरूंगी कि हाँ मैंने ये बात नहीं कही। ठीक है, आपके परिवार में फूट हो गई, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आप क्या कभी कह देते हैं बापू बेटे की एंड ऑल दैट, तो दुष्यंत चौटाला जी किसके से पुत्र हैं, अभय चौटाला जी किसके से पुत्र हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी किसके से पुत्र हैं, ये भी बता दीजिए। और 10 साल दोनों, आप दोनों के सुप्रीमो से जेल काट कर आए हैं, ये मैं बता दूं। दूसरी बात, ये इन्होंने कहा हमें कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम भाजपा के साथ मिले हुए हैं, कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पर हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आप जा सकते हैं क्योंकि आपने सरकार बनाई है और आपका जो परिवार टूटा है उन्होंने भी इन्हीं के साथ सरकार बनाई है, तो आपका ही प्रेम है, भाजपा से हमारा कोई प्रेम नहीं है। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं लगातार हमारे साथ। ठीक है हांडा जी, मैम 5 सेकंड और दीजिएगा, सोनिया जी 5 सेकंड और दीजिएगा जी। ये बात करते हैं कि किसानों को के लिए हमने ये किया वो किया, तो आप खड़े क्यों नहीं हुए? आपने किसानों को न्याय क्यों नहीं दिलवाया, उनके केस क्यों नहीं वापस करवाए? अगर आपकी इतनी ही ताकत है या इतना ही आपको दर्द था, हम सबसे पहले बोले हैं कि भाई हाँ। और सबसे बड़ी बात, किसानों ने सीधा कह दिया था, अब आप किसानों की जो बात लाते, किसानों ने तो सीधा ही कह दिया था कि कोई राजनीतिक दल बीच में ना आए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, याद है आप बोलते शब्द? और भाजपा की सरकार इनको क्या क्या कहा, खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, और अब उनको डेट प्लस सिक्योरिटी के खट्टर मंत्री जी ने ले रखी है, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि मेरे को अन्नदाता से डर लगता है। और एक चीज उन्होंने बड़ी अजीब बोली, अखबार में इन्होंने पढ़ा नहीं है, कहेंगे तो मैं उसकी कटिंग भेज दूंगी रोहिला जी को। ठीक है, क्योंकि मैं तो सिर्फ पंजाबियों का चीफ मिनिस्टर हूँ। अब मैं जेडीपी की प्रवक्ता का भी बात करना चाहूंगी, ये बात करते हैं कि भाई हमारे बारे में, कांग्रेस के बारे में सारे कुछ खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि सबको मैंने कहा ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट कांग्रेस ही लगती है। कांग्रेस का विजन है, कांग्रेस ने नेशन बिल्डिंग की है, IIM, IIT, स्कूल, PVI, एम्स, यू नो, डैम्स लाइक भाखड़ा नंगल, हीराकुंड डैम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब उनका कोई अंत नहीं है पूरे देश में। उस टाइम पे उनका क्या विजन था नेहरू जी का, वो किसी भी पार्टी के किसी भी आदमी का नहीं हो सकता। अब राहुल जी का विजन है, जो ये कहते हैं कि जी हाँ फॉर्म भरवा के धोखा दे रहे हैं, अरे आपने सबसे बड़ा धोखा तो भाजपा ने दिया, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल होंगी। आपको बता दूं कुल नौकरियां कितनी आई हैं? सुन लीजिए रोहिला जी, आंकड़ों पर बात करती हूँ मैं। ठीक है, बेवजह बात और ठीक है, ठीक है हांडा जी, ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी इसी पर, नौकरियों का आंकड़ा देने दीजिए। ठीक है हांडा जी, ठीक है, आपको फिर समय दिया जाएगा, फिर अपनी बात पूरी कीजिएगा। लगातार हमारे साथ केसरी जी बने हुए हैं। केसरी जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता को, आपने सुना उन्होंने कहा कि INLD जो कांग्रेस से लगातार इनेलो को खतरा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं सोनिया जी, मैं सुन रहा था जी। कमल हांडा जी बड़े आदरणीय सम्मानित प्रवक्ता है कांग्रेस की, लेकिन क्या ये बताने का काम करेंगे कि जो 9 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं उन्होंने तो टिकटों के लिए आवेदन नहीं किया था? जिन कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया था उनकी लिस्ट भी इन्होंने पब्लिक में जारी की, प्रेस के सामने जारी की, और उनकी उनमें से एक को भी टिकट नहीं दिया। जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया था, जो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप ने बयान दिया, सिरसा से शैलजा जी ने बयान दिया, अंबाला से वरुण चौधरी ने बयान दिया कि मैं चुनाव ही नहीं हम लड़ना चाहते, तो उनको किसने आयन मौकर पर आके आखिरी में जबरदस्ती चुनाव लड़ाने का काम किया? और ये सब इसलिए हो रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के साथ, मनोहर लाल खट्टर जी के साथ सेटिंग थी। और जो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, ये कहती है कि हम टिकट जो देंगे हम एक क्राइटेरिया के तहत देंगे, इतने चुनाव, इतना बड़ा चुनाव है, और उस नेता को देंगे जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री रहा हो, और करनाल के अंदर जहां पर इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को घेरना चाहिए था मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, और जहां पर इतनी लोगों में रोष है मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति, वहां पर एक मजबूत प्रत्याशी इनको देना चाहिए था। करनाल लोकसभा सीट पहले भी कांग्रेस बहुत बार जीत चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर क्या किया कि एक लड़के को पकड़ा जो वहां का रहने वाला भी नहीं है, और जिसको कोई, जहां का रहने वाला है वहां पर भी कोई नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को टिकट दी ताकि मनोहर लाल खट्टर जी का रास्ता साफ हो सके और इनके लिए भूपेंद्र हुड्डा का रास्ता साफ हो सके। ये वही भूपेंद्र हुड्डा है जिन्होंने 370 का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था अपनी कांग्रेस पार्टी से अलग हटकर,
ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिन्होंने सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में पहुंचाया जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो विधानसभा के हर सत्र के अंदर जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती थी उसी तरह से साइन करके चला आते थे। अगर लोगों में रोष था सत्र को लंबा करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब भी सत्र को छोटा किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार भी उसका विरोध नहीं किया, और नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ मिलाई और लोगों की कोई आवाज नहीं उठाई। और यहाँ तक कि इनके विधायक को भरे सत्र में गिरफ्तार कर लिया नू से, उसके पक्ष में भी एक शब्द भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बोला, अपने मुंह में दही जमाने का काम किया। क्या कमल हांडा जी और मैं राजवीर रोहिल्ला जैसे ही पूछना चाहूंगा जो ईडी सीबीआई पूरे देश में विपक्षी नेताओं को पकड़ रही है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी उन्होंने केस चलाए हुए हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सेटिंग है। पूरे देश में ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, और जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो किसानों की जमीनों को उन्होंने ठीक है केसरी जी लौटूंगे फिर आपके पास, अभी फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bas, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana. Download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kids se. Are kahan chal diye dadaji? In boodhe ghutno ko thoda aaram de do. हरियाणा में घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी हरियाणा वासियों को अब आयुष्मान में शामिल कर देंगे। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है, उसमें हर रोज सुबह सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं, और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा, उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। ये समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। ये समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं अभी समय नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि, यह है मोदी की गारंटी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। लगातार कई दिनों से चुनावी प्रचार चल रहा है, जो 23 मई की शाम तक थम जाएगा और इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। और इसी पर लगातार हमारे मेहमानों से हमारी चर्चा चल रही है और हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रुक करना चाहूंगी जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रिंपल सोहे जी लगातार बनी हुई है। सोहे जी, लगातार जो लोग आपके लिए चुनाव प्रचार करते थे आज आपके खिलाफ कर रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगी? देखिए सोनिया जी, मैं इसका जवाब दूंगी। उससे पहले मैं जरा थोड़ा हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के स्कैम के ऊपर थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगी। जी हाँ, लैंड ग्रैब स्कैम नहीं हुए हैं। कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे चल रही है और कईयों में केस चल रहा है, चार्जशीट हो चुके हैं हर जगह पर, चाहे गुड़गांव की बात हो, गुरुग्राम की बात हो, मानेसर की बात हो, पंचकुला की बात हो, आईएमटी खरखोदा की बात हो, कहीं की बात आप उठा लीजिए, नेशनल हेरल्ड का केस आप देख लीजिए, हर जगह पे लैंड ग्रैब के केसेस हैं। ये क्या बताना चाहते हैं कि 10 साल में इन्होंने क्या किया? ये तो मैं सिर्फ आपको हरियाणा की बातें बता रही हूँ, क्योंकि आज हम हरियाणा पे बात कर रहे हैं। अगर कहीं आप नेशनल की स्कैम की लिस्ट उठा लेंगे तो कांग्रेस के स्कैम का कोई अंत नहीं है। और मैं ये बता देना चाहती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी कि ये जनता भूली नहीं है। और जो जिस तरह से ये बात कर रही है कि कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे उठाए हैं, खुद से ही उन्होंने जवाब भी दिया कि हालांकि किसान जत्थेबंदियां नहीं चाहती थी कि किसी तरह की भी पॉलिटिकल उसमें इंटरफेरेंस रहे, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वही सरकार थी जिसने एक रुपए के चेक बांटे थे मुआवजे के तौर पर। और ये हमारी जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी जिसने मुआवजे की डेट तक एक्सटेंड करी, क्योंकि हमें लगा कि अभी फिर से ओलावृष्टि हुई है, उसकी जो डेट है वो फिर से एक्सटेंड कर दी जाए। ये मुआवजे की जो जवाबबंदियों को देखने की कि किन किन जवाबबंदियों पे किन किन एरियाज में अभी भी मुआवजा नहीं मिल पाया है और कहाँ पर दोबारा से जो है ओलावृष्टि हुई है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो जहां तक इनकी बात है, और मैं ये भी याद दिला दूं कि एमएसपी सरकार के लिए ठीक नहीं है, एमएसपी नहीं देना चाहिए, इस बात का भी जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर सिग्नेचर किसके हैं, जनता भूली नहीं है, जनता याद है, जनता को सब याद है। देखिए आप बीच में मत बोलिए, अगर आप बीच में बोलेंगी, देखिए जनता को याद है कि उसके ऊपर भी सिग्नेचर किसके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। ये हमने आपके किसान ही ऐसी बताते हैं, ये वही सरकार है जिसने बेइज्जती करी है फार्मर्स की। ये जो हुड्डा सरकार थी, ये वही है जिसने एक एक रुपए के चेक देकर किसानों की बेइज्जती करी थी। वही सरकार थी जिसके टाइम पे किसानों को दो दो महीने, तीन तीन महीने तक मुआवजा नहीं मिलता था। इसकी बात आप ना ही करिए तो बेहतर है, ठीक है। और जहां तक रही हमारे आप कह रहे हैं हमारे कुछ बागी लीडर्स की बात है, मैं आपको अभी भी बता दूं जो लीडर्स हमारे साथ आज भी हैं। देखिए मजदूर की लड़ाई की बात शुरू हुई थी और मैं ये मानती हूँ कि हाँ लड़ाई है, लड़ाई हमारी मजदूर की नहीं है, लड़ाई उसके साथ जनता के राइट्स की लड़ाई है, तो उस लड़ाई को हम कंटिन्यू करेंगे। और ये एक यंग पार्टी है, मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि एक यंग पार्टी है, यंग लोगों की पार्टी है। हम आज नहीं, आज से 10 साल तक भी लड़ते रहेंगे, आपको यही नजर आएंगे और इसी तरह से लड़ेंगे। मैं ये भी भरोसा दिला देना चाहती हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि हमारा एक एक लीडर, अभी तक मुझे खुशी है इस बात की कि आज तक भी हमारा एक एक लीडर 47 डिग्री के टेम्परेचर में भी फुल कैंपेनिंग कर रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के लीडर से कि आप तो वही है ना जो कुछ समय पहले, आज के दिन ही कुछ घंटों पहले राहुल जी को रैली से उठ के जाना पड़ गया क्योंकि आपके लीडर आपस में लड़ पड़े। आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। मोड पे है ये आपस में ही लड़के पर। इसी पर हांडा जी से जवाब ले लेते हैं। हांडा जी क्या कुछ कहेंगे? वो पंचकुला में बुलाया गया था उनको संविधान सम्मान सम्मेलन में, यहाँ पर देश में बहुत दूर दूर से प्रबुद्ध व्यक्ति और बुद्धिजीवी आए होंगे। रोहिला जी आपके पास लौटूंगे। रोहिला जी ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। रोहिला जी सर प्लीज, रोहिला जी आपको समय दिया जाएगा तब आप अपनी बात रखिएगा। हांडा जी अपनी बात पूरी कीजिए।
हाँ जी, पहले मैं जेजेपी के प्रवक्ता को बता दूं कि इन्होंने 5,100 रुपए की पेंशन देनी थी और इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का भी नाम नहीं लेते, जिसमें इन्होंने बहुत बार बोला था। दूसरी बात, जनता आपको भी खदेड़ रही है, आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी की भी गाड़ी मुड़वा दी लोगों ने गाँव से की जाओ आप। आपके एक, मैं, मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपके एक बंदे को एक महिला ने थप्पड़ भी मारा, कहा कि आपको अब याद आई हमारी महिला पहलवान पीटी है हमारी आपकी, तो आपने कोई भी उनको बचाव नहीं किया। किसानों के लिए 7 ईयर बैरिकेडिंग की गई, आप साथ थे भाजपा के, ठीक है, खेल कूद के साथ अन्याय हुआ, आप साथ थे, आप कहीं नहीं बोले, आपने भी जमकर माल लूटा 4.5 सालों में। अब आप इसलिए भाजपा के खिलाफ हो गए हैं क्योंकि आपको जो है अब आप जो 6 महीने और लूटना था वो लूट आपकी जो है उसमें कसर रह गई, इसलिए आपको प्रॉब्लम है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, आपको जमनापाल छोड़ने गए थे और मेरे नेता का नाम जरा आदर से लिया कीजिए। मैंने ये नहीं कभी कहा दुष्यंत ये दुष्यंत वो, हमेशा या तो डिप्टी सीएम बोला है या दुष्यंत जी बोला है, तो तमीज से नाम लीजिए। आप अपने संस्कार भी प्रस्तुत करके जब चैनल पर होती है तो तमीज से नाम लीजिए हमारे हुड्डा साहब का, पहली बात। और सुनिए आप, अब जरा चुप हो जाइएगा, आप सुनिए, आपको सुना मैंने चुपचाप। अब मैं इनेलो के प्रवक्ता का जवाब देना चाहती हूँ सोनिया जी, ये वही है ना, एक तो मैं ये मेरे को लगता है कि इनको बुरा नाम दिया है, इनेलो के प्रवक्ता ने कहा नुकसान से पड़े, बीच में मत बोलिए, बीच में जल्दी अपनी बात पूरी कर दीजिए, फिर ब्रेक का समय हो रहा है। हांडा जी नहीं मैडम, फिर मेरी बात रह जाएगी। हांडा जी ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, चर्चा यूं ही बनी रहेगी, फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। दीदी वोट किसे? भरोसे को। मतलब? देखो यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है, जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे वो भरोसा है, ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन, हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा, ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालें, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तमाम पार्टियां जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं और ऐसे में चर्चा में आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी। रोहिला जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं अभी हांडा जी को आपने सुना, हांडा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, इस पर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? हांडा जी को अल्प ज्ञान है थोड़ा सा जी, पीएम किसान निधि के माध्यम से 11 करोड़ किसानों को हर तीसरे महीने 2,000 रुपए दिए जाते हैं, 6,000 रुपए सालाना। हरियाणा में 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता, पूरे पूरे भारत में हरियाणा सबसे ज्यादा फसलें खरीदने वाला राज्य है, ठीक है, सब्सिडियां दी जा रही है, 72,000 सोलर पैनल सोलर दिए गए सोलर पंप, तो जो किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने किया है, सोयल हेल्थ कार्ड बढ़ाए गए हैं, बिजली की जो कितने घंटे आती थी वो 1 घंटे बढ़ाए गए हैं, पहले 8 घंटे आती थी 12-14 घंटे तक बिजली दी गई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किसानों के लिए काम किया है। विपक्ष में हमारे कांग्रेस है तो कांग्रेस के 10 साल से लगे हुए हैं लोग, लेकिन जनता ने इन लोगों को साइड में बिठा दिया। रही बात अब जसपा वालों ने ये बैंड बड़ा वो कह रही थी भाई हमने ये किया, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था एक बात, जेपी दलाल जी कृषि मंत्री थे दूसरी बात, तो आप लोग कहां से आगे किसानों को भला करने वाले, आप लोग किसानों का भला करने वाले कौन हो गए? आप आपके पास तो डिपार्टमेंट थे, आपके विधायक खुद बोल रहे हैं, एक मिनट, आपके विधायकों ने खुद बोला कि भाई इन डिपार्टमेंट्स में करप्शन हुआ है, जिस पर हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने बोला है अगर हमारे पास कोई फाइल आएगी कोई शिकायत आएगी तो हम संज्ञान लेंगे, तो आप किस बिना पर कह सकते हैं भाई आप सरकार चला रहे थे, तो क्रेडिट लेना छोड़िए, जनता में जाइए,
सर आपके नेताओं ने क्या क्या बोला किसानों के बारे में वो आपको जवाब मिल रहा है जनता में, ठीक है। और आपके जो आपका जब हमारे लीडर जनता में जा रहे, आपके लीडर तो ज्वाइन कर रहे हैं अलग अलग पार्टियां, जब आपका प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह चला गया, देवेंद्र सिंह बबली ने समर्थन का कह दिया, रामकुमार गौतम जी ने कह दिया, तो बचा कौन? जोगराम सिहाग जी ने कह दिया, तो आपकी पार्टी बची कहाँ है? आपकी पार्टी में सिर्फ ठीक है रोहिला जी, ठीक है, और नैना चौटाला जी बचे हैं, बाकी सब उड़ गए। ठीक है रोहिला जी, लौटूंगे आपके पास फिर। हांडा जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, दल बदल की राजनीति का भी यहाँ पर जिक्र किया गया, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगी? मुझसे पूछा आपने जी, ऐसा है लोग आ रहे हैं और ये मैं बता रही हूँ कि ईडी सीबीआई चोरी वो क्या कहते हैं चंदा और धंधा चंदा छापा चंदा ये सब इनका चल रहा है, ये इनको पता है, विश्व में प्रसिद्ध हो चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कि चंदा चोर हैं और मास रेपिस्ट के साथ इनके लिंक हैं, विदेशी अखबारों में भी छपा है। मैं जरा एक बात कहना चाहती थी जजपा के उसको भी प्रवक्ता को, नहीं INLD के प्रवक्ता को, सॉरी, ये कहते हैं कि जिन्होंने आवेदन नहीं किया उनको टिकटें दी गई। आपके पास खबर आई थी क्या, आवेदन आपके पास आए थे क्या? 362 आवेदन आए थे एनडीए के इलेक्शन के लिए। चुपचाप सुनिए, आपको भी चुपचाप सुना, ठीक है, आपको खबर देंगे हम लोग। आप हैं कौन? Who are you? हमारे लिए आप क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, मुझे एक बार बताइए कि हम आपको बताएंगे या आपको हम उस सभा में रखेंगे जहां पर हमारी ये चर्चा चलेगी। हमारे 362 आवेदन आए थे, 30 शॉर्टलिस्ट हुए और उसमें से हमने 9 लेने थे क्योंकि एक हमारी गठबंधन के पास जा रहा था, ठीक है। और आपको मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहती हूँ, 10 साल की सजा तो मैंने बता दी आपसे, दोनों सुप्रीमो जेल में काट के आए थे अधिक संपत्ति के मामले में, ठीक है, और हुड्डा जी से खतरा मुझे लगता है आपको भी लगता है, और आपके भी अभय जी, श्री श्री अभय जी और श्री श्री अजय चौटाला जी भी वही है ना जिन्होंने 3206 टीचर्स के टक्कर में और आज अधिक संपत्ति के मामले में उन्होंने जेलें काटी। दूसरी बात, आपके वही अभय जी और अजय जी है ना जो MLA को थप्पड़ मारा करते थे, उनकी पिटाई कर दिया करते थे, ये वही अभय जी और अजय जी चौटाला है ना, आप बता दीजिए ना आपकी कितने। और ये वही है, एक चीज और बताना भूल गई मैं कि किसी ने हवन में बुलाया, किसी ने गृह प्रवेश में बुलाया तो उसकी संपत्ति पसंद आ गई तो भैया तू बाहर हो जा, कितने की ले, जितने की होते थे उसे आधे पैसे देते थे। और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी INLD के प्रवक्ता से, राम रहीम के साथ आपकी क्या सेटिंग थी जो इतना 700 एकड़ उसने जमीन हथिया ली और आपने कोई एक्शन नहीं लिया उनके उसके खिलाफ? क्यों नहीं एक्शन लिया? राम रहीम आप ही के यहाँ पला फूला ना हांडा जी, हांडा जी उसका घर था। हांडा जी, मुद्दा चुनाव को लेकर है, नहीं ये हमारे पास भी, ये भी तो हांडा जी ना, ये भी मुद्दा चुनाव को लेकर है, मुद्दे से मत भटकिए। इतने आवेदन आए, इतने आवेदन आए नहीं थे, जब ये ऐसी बातें करेंगे तो मैं भी जवाब दूंगी मैं, ठीक है। बाकी हमारी इंडिया गठबंधन हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, और JJP के भी बहुत सारे लोग आ गए हमारे पास, इनके भी आ गए, मैंने कभी इन बातों पर टिप्पणी नहीं की, ठीक है। आना जाना चुनावों के दौरान लगा रहता है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन जब ये बात करते हैं कांग्रेस की तो मैं पूछना चाहूंगी, क्या AIIMS, PGI, बड़े बड़े डैम्स, IIT, IIM क्या JJP ने बनाए या क्या आपने बनाए, INLD के प्रवक्ता ने, आपकी पार्टी ने बनाए मुझे बता दीजिए, या भाजपा के प्रवक्ता ने बनाए हो? ये दरभंगा में एम्स की बात करते हैं, सपाट जमीन पड़ी है, एक ईंट भी नहीं रखी गई। ये बात करते हैं उसकी PGI की वहां पर मदुरई में सपाट जमीन, एक भी ईंट नहीं रखी। ये झूठ तो फैलाते ही है। और एक बात इनको बताना चाहूंगी, इनके ने प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने क्या कहा अपने मंत्रियों को बुलाकर, सारे MPs को बुलाकर कि भाई आप जाओ लोगों के पास बोलो कि मोदी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, इसीलिए आपने वित्त मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में और IT मंत्रालय में आग लगवा दी, ताकि क्योंकि आपको पता है आप आ नहीं रहे, लेकिन बेईमानी अभी तक आप कर चुके हैं। 1,07,00,000 वोटों की, नोट कर लीजिए, कभी कहीं 1.5% बढ़ गया, क्यों नहीं चुनाव आयोग वेबसाइट पर डाल रहा टाइम से अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? और आप कह देंगे क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इंडिपेंडेंट कुछ नहीं रहा, सब डिपेंडेंट है मोदी जी पर या उनके क्या कहते हैं डंडे पर कि भैया ऐसे नहीं करेगा तो तेरे को भी मैं जेल भेजूंगा ED CBI के उसमें। ठीक है हांडा जी, लौटूंगे आपके पास। इलेक्शन कमीशन क्या बन गया है? ठीक है, क्रिमिनल हो गया है। ठीक है हांडा जी, आपके पास फिर लौटूंगी।
फिर आपको पूरा समय दिया जाएगा। हमारे साथ लगातार केसरी जी भी बने हुए हैं। केसरी जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं आपने अभी कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, हांडा जी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा से इनेलो पार्टी को डर लगता है, खतरा है, इस पर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? सुनिए जी, मैं हांडा जी की बात सुन रहा था जी। जिस प्रकार से वो उम्र में बहुत बड़ी है हमसे और जिस प्रकार का व्यवहार वो कर रही है बिल्कुल तिलमिला गई है। वो कह रही है कि इनको कितने लिस्ट की, अब ये प्लीज आप आपके बीच में नहीं बोलना चाहिए। किस प्रकार से अगर ऐसे डिबेट ये जनता देख रही है, जनता डिसाइड करेगी। और हांडा जी को अपनी हांडा जी, आपको समय दिया गया था तब आपने अपनी बात रखी, अब आप केसरी जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर आपको फिर समय दिया जाएगा, बीच में नहीं। हांडा जी प्लीज जी, हांडा जी को सबसे पहले तो अपनी पार्टी के बारे में ही नहीं पता। जो कैंडिडेट्स ने कांग्रेस ने जिनके आवेदन मांगे थे टिकट के लिए, उनकी लिस्ट कांग्रेस ने जिसने आवेदन किया था वो पब्लिक में आउट करी थी, प्रेस में आउट करी थी, और वो सभी जगह पे हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर सभी को पता कि किसने आवेदन किया किसने नहीं किया, ये सिर्फ हांडा जी को नहीं पता। अच्छा, और प्रत्याशी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि भाई हमें तो टिकट लेना ही नहीं था, हमने तो आवेदन भी नहीं किया था। ठीक है, अब दूसरी बात, अरे यार ठीक है, अगर आपने केसरी जी, आपको रोकना चाहूंगी केसरी जी, समय का थोड़ा अभाव है, वहीं फिलहाल अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा ऐसे ही बनी रहेगी, फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात। ओ भाई, गाड़ी तो मत चल रही है अब, एकदम मोदी जी के काम के जैसी ना, एक्सीलेटर देते हैं तो द्वारका केएमपी एक्सप्रेस वे बन गए, और टॉप गियर लगाते हैं तो नई मेट्रो पहुंच गई, रेलवे लाइनों सड़कों का जाल बिछ गया हरियाणा में। भाई ऐसी स्पीड चाहिए तो मोदी फिर चाहिए, सिर्फ तारीफ नहीं वोट भी करना। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom. Hey. Look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana. Download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kit se. भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, यह है मोदी की गारंटी। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, यह है मोदी की गारंटी। नमस्कार। एक व्यक्ति ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है, लगातार चर्चा में बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। रुक करना चाहूंगी जेजेपी का, सोहे जी आपने सुना तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, और वहीं साथ ही में कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना, हांडा जी ने कहा कि जेजेपी का हर जगह विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सोहे जी आप सुन पा रही हैं? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी तो कुछ एक सवाल यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनका मैं जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता को कि ये कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की थी, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि 2 महीने में ही इनको पता चल गया कि जेजेपी के साथ स्थिर थी या जेजेपी के बिना स्थिर है, इनको ये 2 महीने में ही समझ आ गया। इनको भी पता है, जनता को भी पता है मैं किस किन चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। आज ये अल्पमत में है, इनके पास पूरे विधायक नहीं है हरियाणा में। दूसरी बात हो रही है सांसद की और जो कमलेश हांडा जी ने जो बात कही कि हम INLD और हमारे जो
वरिष्ठ नेता है, वो 10-10 साल जेल काट के आया। तो मैं ये भी बता दूं कि जिस केस में गलत तरीके से उनको सजा सुनाई गई, उस केस में जो लगाए हुए टीचर थे वो आज भी काम कर रहे हैं। उसको माननीय हाईकोर्ट ने जो वो भर्ती थी उसको खारिज नहीं किया, वो भर्ती आज भी चल रही है, मैं आपको बता दूं। तो ये किस तरह की इनकी बयानबाजी है, ये थोड़ी सी मैं मैडम आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती, पर फिर भी आप मुझे इस बात के लिए इस पॉइंट तक लेके आए हैं। मैंने शुरुआत ही की थी कि ये लड़ाई है किस चीज की, ये हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, हमें जनता के खिलाफ नहीं लड़ना है। जो आप कह रहे हैं कि आप कौन हैं, आपको क्यों जवाब दिया जाए, फिर वही बात, बड़ी पार्टीज हैं, ईगो में आ जाती है और ऐसी बातें कह देती हैं ये बड़ी पार्टी, पर फिर भी मैं बता दूं, जनता के लिए लड़ना है मैडम, अपने लिए नहीं लड़ना है, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये जनता के अधिकारों की लड़ाई है। बार बार आपको यही समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कांग्रेस एकजुट हो जाती तो बात ही क्या थी। कांग्रेस की एकजुटता को हम पिछले 5 साल से देखते आ रहे हैं, कितनी एकजुट है, किस तरह से ये इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। आज की रैली में देख लीजिए किस तरह से राहुल जी के दोनों तरफ बैठे हुए नेता आपस में लड़ रहे हैं, आपके चैनल में भी शायद दिखाया हो, जगह जगह सोशल मीडिया पर वायरल है वो क्लिप। तो मैडम, अगर आपको लगता है कि हम जनता किसी भी वहम में है, मैं आपको बता दूं कि जनता की शक्ल बन के आई हूं मैं, और आपको बता दूं कि किसी वहम में नहीं है जनता, जनता को पता है कि कौन एक स्थिर सरकार देने के लायक है और कौन नहीं। ठीक है सोही जी, समय का अभाव है, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तमाम प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए थे, आप सभी का धन्यवाद। वहीं अभी आपने देखा कि तमाम पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं, दल बदल की राजनीति गरमाई हुई है, और वही अभी चुनाव प्रचार 23 मई के शाम को थम जाएगा और उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, और साथ ही सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि जनता के दिल पर राज कौन करेगा। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।